मेरी चाची उदास थी। मैंने चाची से उदास होने का कारण पूछा तो चाची के आंखों से आंसू निकलने लगे और मेरे हाथों को पकड़ते हुए बोली, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं लेकिन मैं अभी तक माँ बनने का सुख उठा नहीं पाई। मुझे लगता है कि तुम्हारे चाचा में ही कमी है, इसलिए मैं अभी तक अधूरी औरत हूँ। काश मेरी भी कोई औलाद होती। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठा लिया और अपने गले से लगा लिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं चाची की खूबसूरती को निहारा करता था और उनके साथ जवानी के मज़े लेना चाहता था, पर आज वह मौका मिल गया। चाची को गले से लगाते हुए दिलासा दी कि सब ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे उनके बदन को सहलाने लगा। चाची रोते हुए कहे जा रही थी, एक तो 2 साल के बाद आते हैं और 2 महीने रुककर चले जाते हैं। मैंने कहा, चाची जब तक तुम उनके बिना कैसे रहती हो? चाची ने गले से हटते हुए कहा, अब तुम्हें क्या बताऊं अपना दुख, मैं पल पल मर मर के जी रही हूं। मैंने चाची को सहलाते हुए उनकी गर्दन पर किस कर लिया। वह कुछ नहीं बोली और ऐसे ही मेरे गले लगकर खड़ी रही। फिर मैंने कहा, चाची रात बहुत हो गई है, चलो अब सोने के लिए चलते हैं। हम आकर अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। काफ़ी देर लेटने के बाद चाची को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने चाची से पूछा, चाची आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तो चाची ने बताया कि उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैंने कहा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो चाची तपाक से बोल पड़ी, प्लीज सरसों के तेल से मेरे पेट में मालिश कर दो। मैं किचन से सरसों का तेल लेकर आ गया। चाची ने पेट से ऊपर कुर्ता कर दिया। चाची के गोरे बदन को देख कर तन बदन में आग लग गई। फिर मैंने उनके पेट में मालिश करनी शुरू कर दी। मैं करीब आधा घंटा तक मालिश करता रहा। उसके बाद उनके पेट का दर्द कुछ हद तक ठीक हो गया, पर कुछ तेल बच गया था तो चाची ने कहा, इसे मेरी पीठ पर लगा दो। चाची की पीठ से उनकी कमीज ऊपर नहीं हो रही थी तो चाची ने अपनी कमीज उतार दी और मैं उनकी टांगों पर बैठकर मालिश करने लगा। मालिश के दौरान मैंने कई बार चाची के उभार को छुआ पर वो कुछ नहीं बोली। कुछ देर मालिश करने के बाद चाची मेरे ऊपर लेट गई। मैंने कहा, क्या हुआ चाची? तो उन्होंने कहा, तूने मेरे संतरों को छूकर मेरे अंदर की आग को भड़का दिया है, अब इसे तुम ही ठंडा करोगे। यह सुनकर मैं खुश हो गया क्योंकि मैं तो खुद यही चाहता था। चाची को अपने ऊपर बिना कमीज के देखकर मेरे अंदर की गर्मी निकलने लगी और भूखे शेर की तरह मैंने चाची को झपट्टा मारकर पेट पर गिरा दिया और अपना काम शुरू कर दिया।